मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में नगर सेवक कामों को लेकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं कि अब तक उन्होंने अपने अपने वार्ड में क्या क्या काम किया है, ये जनता को बता रहे हैं। वार्ड नंबर 26 में जीवन बाग मुंब्रा देवी मंदिर रोड दत्तूवाड़ी में किए गए कामों को लेकर नगर सेवक आमने सामने आ गए हैं। मगर आज नगर सेविका और मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष दीपाली मोतीराम भगत ने जीवन बाग में सुलेमान मंजिल के पास से जो रास्ता मोइलेचाल की तरफ जाता है, उस रास्ते और गटर के काम की शुरुआत के लिए आज भूमि पूजन की और नारियल भी फोड़ा गया। इस दौरान दीपाली मोतीराम भगत के साथ में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपाली मोतीराम भगत ने अपने कार्यालय में बताया कि उनके वार्ड में किए गए कामों को दूसरे नगर सेवक अपना काम बता रहे हैं। दीपाली मोतीराम भगत ने यह भी बताया कि पटेल हाई स्कूल के पास गार्डन की मांग उन्होंने की है, जिसका फॉलोअप वो ले रहे हैं। साथ ही बताया कि जीवन बाग में सुलेमान मंजिल से मोइले चाल की तरफ जो रास्ता जाता है, उसका काम और गटर का काम जल्द ही पूरा होगा। इसके अलावा दत्तूवाड़ी से लेकर जीवन बाग तक जो भी काम उन्होंने किया है, उन सब का पेपर उनके पास मौजूद है। कहीं रास्ते का काम उन्होंने किया है तो कहीं गटर का काम और नाले का काम किया है, ऐसी जानकारी दीपाली भगत ने दी है। साथ ही ये भी बताया कि विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान को अपने द्वारा किए गए कामों की जानकारी भी दी है। दीपाली मोतीराम भगत ने स्थानीय एक नगर सेवक पर आरोप लगाया है कि वार्ड में किए गए कामों को वो अपने द्वारा किए गए काम बता रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दीपाली मोतीराम भगत और वसीम हजरत ने और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज जीवन बाग में आप लोग गए थे, वहाँ पर दौरा किए, कुछ रास्ता और नाले गटर का भी वहाँ पर काम था, क्या वहाँ पर नारियल भी आप लोगों ने थोड़ा पूजन भी किया, किस तरह का वो काम वहाँ पर होने वाला है? वहाँ रास्ते का काम होने वाला है। उधर के लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, सब चेंबर का पानी वहाँ आता है, तो लोग आए वहाँ पे और हमें बताया कि हमारी ये समस्या है, पिछले 5-6 साल से कोई हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग उधर गए और जल्द से जल्द वो काम शुरू करने की हमने ये किया है। क्या क्या काम होने वाला है वहाँ में? वहाँ पे कॉन्क्रीट होने वाला है रास्ते का और वो सीढ़ियाँ बनेंगी, गटर और नाले का भी काम होने वाला है वहाँ पे। और आगे जिस तरह से आरोप लग रहा था कि काम नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ लेकर इसमें वाद विवाद भी हुआ था, तो दरअसल पूरा मामला है क्या? सबसे पहले मैं शानू पठान जी का, हमारे विरोधी पक्ष नेता जो है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे वार्ड में आके दौरा किया और क्या क्या काम है वो समझने की कोशिश की। लेकिन अब हर कोई बोल रहा है कि ये काम हमने किया है, वो काम हमने किया है, तो क्या 4 साल से हम यही इधर ही बैठे रहे थे क्या? ऐसा नहीं, हम सारे पब्लिक के जो परेशानी है वो जानकर सब काम कर रहे थे। हमसे ज़्यादा पब्लिक जानते हैं कि हमने कितने काम किए हैं। हमने अपने पटेल हाई स्कूल के पीछे जो गार्डन बनने वाला है, उसके जब मैं चुनके आई तब से मैं उसके फॉलोअप में हूँ। हमारा वह लेटर भी है और अभी शानू पठान जी को भी मैंने ये लेटर दिया है, वो लेटर की कॉपी भी है हमारे पास। दिखाओ तो फिर देखिए, ये जो पटेल हाई स्कूल के पीछे जो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, रिजर्व प्लॉट है गार्डन का। अगर अभी 2017 में हम लोग चुनाव जीत कर रहे हैं, उसके बाद से हम लोगों को इसके ऊपर इस वार्ड में स्पेसिफिकली कोई भी एक गार्डन नहीं है बच्चे लोग को खेलने के लिए। वो एक ओपन प्लॉट है जहाँ पे आजू बाजू 3 स्कूल है, एक म्यूनसिपालिटी स्कूल, एक पटेल हाई स्कूल और प्लस एक सनशाइन करके प्राइवेट स्कूल है। 3 स्कूल को मिला है कम से कम 10 से 11 हज़ार बच्चे लोग पढ़ते हैं। पहले वो लोग पीछे ग्राउंड हुआ करता था हवा मैदान करके, वहाँ पे खेला करते थे, लेकिन वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से वो बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद से फिर 2018 से हम लोगों ने इसको फॉलोअप किया, उस जगह को एक प्रॉपर वहाँ पे एक गार्डन या ऐसा प्लेग्राउंड जैसा बना के वहाँ पे बच्चे लोग को खेलने के लिए दिया गया। तो ये आप उसका लेटर आप देख सकते हो, 2018 के पहले महीने से हम लोग इसको फॉलोअप में कर रहे हैं। और कौन कौन से कामों को लेकर आपने पत्र दिया है?
अभी आप देखोगे तो वार्ड में काफी सारे काम पहले हम लोगों ने कर चुके हैं। जो हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था, हम लोग को बजट मिला, भले हमारा आमदार जितेंद्र आवास साहब की तरफ से काफी हम लोग को मदद मिली है वार्ड में काम करने के लिए। प्लस नगर सेवक, हमारी जो नगर सेविका है दीपाली भगत, उनके प्रभाग सुधार निधि, नगर सेवक निधि, जो नगर सेवक का बजट होते हैं, प्लस उन्होंने काफी बजट बाहर से भी लेकर आया उस वार्ड में काम किया। और ऐसे काफी कामों की मांगे अभी भी हमारी चालू है, अगर आप इस लेटर के थ्रू देख सकते हैं, ऐसे काफी लेटर है जो हमारे पास है। काफी कामों की मांगनी हमने किया है कि जैसे जैसे बजट जिस साइज का आ रहा है वैसे वैसे काम हमारे पूरे हो रहे, कैसे चालू हो रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या काम बाकी है, अभी तक क्या क्या काम आप कर चुके हैं और क्या क्या आपका काम बाकी है? अगर हम लोग दत्तूवाड़ी से स्टार्ट करेंगे तो दत्तूवाड़ी में अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5 करोड़ का बजट हम लोग को आमदार जितेंद्र आवार के थ्रू मिला था। आप देख सकते हो वहाँ पे जाके कि दत्तूवाड़ी के लोग आपको खुद बताएंगे कि वहाँ पे किसने काम किया, क्या करेंगे। वहाँ पे रास्ते से लेके उनके घर के आगे तक का कॉन्क्रीट अभी पूरा हो चुका है। उसके अगर आप आगे होगे तो मुमरा देवी में अगर आप देखोगे पटेल स्कूल के पास से लेके मुमरा देवी रोड का भी काम चालू होने वाला है, इसका भी वर्क ऑर्डर आ चुका है। मुमरा देवी रोड का भी काम अभी चालू हो जाएगा, ये भी काम मोतीराम भगत जी के वहाँ से हो रहा है। प्लस सीवीओ अपार्टमेंट जहाँ पे एक नगर सेवक खुद यहाँ पे रहता है जिस बिल्डिंग में, उसके नीचे दुनिया भर का कचरा पड़ा था, रास्ता चलने के लिए नहीं था, वहाँ के लोगों ने भी आके उस नगर सेवक ने मोतीराम भाई को बोल के अपना काम करवाया है। वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे अभी रास्ते में ही है तो पूरा कॉन्क्रीट हो चुका है। प्लस वो राशन की गली है, फिर वहाँ से जीवन बाग में अगर आप देखोगे तो जीवन बाग का जो मुख्य रास्ता है जो अंदर डिलक्स बिल्डिंग के पास का वो हो गया, बानों के पास का हो गया, ऊपर मोहिले चाल में अगर आप जाके देखो कितना कॉन्क्रीट का कितना रास्ता भी सुधर चुका है वहाँ का। अभी मानसून का महीना आ रहा है और रमजान का भी महीना आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ये रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा कि नाले सफाई, कचरा ये सब साफ हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के हो जाए। मैं तो पहले तो अपने सब प्रेस भाई लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो हमारे बोलने पे आप लोग इधर आए आज, और उसके लिए आपके लिए मैं बहुत बहुत दिलो ध्यान से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी इसके लिए सुलेमान मंजिल मोहले चाल के लिए रास्ता इतना बेकार था, तो मोतीराम भाई के पास में कंप्लेंट आई कि मोतीराम भाई ने फौरन हमको आदेश दिए कि ये रास्ते का काम ले लो अर्जन में, तो ये रास्ते का आज काम लिए, आज ओपनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल से काम चालू हो जाएगा ये। और दूसरी बात में हर जगह के हमारे पास में ऐसे पुरावे हैं जो आपको अभी हम बताएंगे, बाकायदा काम के जो जो काम किए और जो जो काम हमने सुझाए अभी उसके लिए ऐसे बहुत काम है। अभी कल तो ऐसा ही भी हुआ है कि महीने ये क्या महीने हो क्या, मतलब हम लोग सिर्फ हम लोग 4 साल में सिर्फ गोटी ही खेल रहे थे, बाकी वार्ड में कुछ कर ही नहीं। अभी इलेक्शन पीरियड आ रहा है तो अभी हम सब उतर रहे सामने कि बाबा महीने ये क्या महीने हो क्या, अभी पब्लिक जानती है हमारे को तो इतना हार्ड है कि जिधर काम हो रहा है उधर की पब्लिक जानती है, बस हम उसमें ही खुश है। अच्छा, तो आप लोग ये रास्ते का काम कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि कचरा बड़ी ये कचरा जो है हमारे बाजू के नगर सेवक जो है विश्वनाथ भगत वो खुद अपने इससे निकाल रहे कचरा, वो कचरा निकाल रहे और उठा रहे भी है, अंदर के बिल्डिंग का कचरा है वो कचरा वो खुद निकाल रहे और उठा रहे भी है, ऐसा नहीं कि वो निकाल के रखे ले कचरा सूखने के लिए रखे ले, वो खुद उठाने वाले हैं। हम यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता का दौरा कर रहे हैं और आपका जो पैनल के भी सदस्य थे वो बता रहे कि हमने काम किया, इस बारे में क्या लगता है, आपने किए कि उन्होंने काम? ये पब्लिक जानती है कि काम किसने किया है, ये पब्लिक जानती है, जिधर का काम जाके आप खुद जाके इंक्वायरी करके आओ कि ये काम किसने किया है, उधर आपको सारा पुरावा मिल जाएगा। ये मैं खाली मीडिया के सामने जाने का और ये बोलने का कि महीने क्या वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जगह पे जाके पूछोगे काम किसने किया, वहाँ पे आपको पूरा उसका जवाब मिल जाएगा। ये 10 साल से ये गंदगी यहाँ पे बहुत है और हर चीज़ में किसी को बोला कोई नहीं आता, मोतीराम भाई को हमने जब भी बोले मोतीराम भाई आके खड़े होकर काम करवा के गए, आज रोड भी ओपनिंग करवा रहे हैं कि रोड भी बनवा रहे हैं, मोतीराम भाई हमेशा हमारे काम आते हैं और बाकी किसी को बोलो तो नेता कोई आता ही नहीं है इधर, सब मोतीराम ये जीवन बाग है। 10 साल में यहाँ पे कौन से बड़े नगर सेवक का क्यों काम? बहुत से नगर सेवक लोग आए, हमने बताए तो कोई नहीं हल नहीं करा हमारा, अभी मोतीराम भाई को बोले हमने तो मोतीराम भाई आके उद्घाटन करे, रोड भी बना रहे, पानी बहुत जाता है यहाँ पे, जुम्मे के दिन चल नहीं सकते रोड नमाजी लोग, इतना गंदगी है यहाँ पे, संडास का पानी कचरा ये वो बहुत गंदगी है। इस पैनल के जो बाकी अन्य नगर सेवक का कहना है कि यहाँ का जो काम है हम करा के दे रहे हैं? नहीं, मोतीराम भाई ने करवाया, किसी ने आया नहीं आज तक, किसी ने पूछा नहीं है 10 साल से।